हिमाचल पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने पुलिस थाना इंदौरा व थाना डमटाल के औचक निरीक्षण के साथ साथ सीमांत क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा तनाव के चलते क्षेत्र की पुलिस को अलर्ट रखा गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई लोग जो बाहर से अवैध रूप से यहाँ रहकर नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनकी संपत्ति की फ्रीजिंग, वित्तीय स्थिति की जांच पर कार्य चल रहा है। जिला में एक ऐसा केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों व सरकारी एजेंसियों में सामंजस्य स्थापित कर नशे के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया जाएगा और अगले 6-7 महीने में ही परिणाम जल्द जनता के सामने देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस जवानों के लिए आवास हेतु भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ का प्रस्ताव वित्त आयोग से राशि दिए जाने हेतु केंद्र सरकार को भेज दिया है। डीजीपी ने बताया कि नशे के काले धंधे पर चोट करने हेतु थोड़ी मात्रा में भी नशा तस्कर के पकड़े जाने पर जमानत ना मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रस्ताव भेजा गया है। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो कमर्शियल मात्रा से नीचे के आरोपी को जमानत मिलने से निश्चित रूप से पुलिस के प्रयास सफल होंगे। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा की विधायिका रीता धीमान ने डीजीपी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इंदौरा से रीता धीमान मैडम, हमारे डीआईजी साहब है संतोष पटियाल जी, यहाँ पहले एसएसपी भी रह चुके और वर्तमान में जो एसएसपी हैं विमुक्त रंजन जी, एसएचओ साहब है सुरेंद्र धीमान और साहब के साथ भी अधिकारी गण आए हैं और हदिया, क्योंकि अब पाकिस्तान को स्मगलर भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बड़ा डर था कि बॉर्डर पे मारे जाएंगे। ऐसा ही एक सांबा कठुआ में भी हुआ इंसिडेंट जून में, तो सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ गई है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की, तो हम अलर्ट हैं और उसी सिलसिले में हम बॉर्डर का दौरा करने आए हैं। तो यही मेरे को कहना था, पंजाब का लगता है लेकिन पठानकोट जो है पाकिस्तान बॉर्डर के बड़ा नज़दीक है, जिसकी वजह से वहाँ से जो हीरोइन स्मगल होती है वो चिट्टे के फॉर्म में आके फिर कुछ कुछ हिमाचल में भी पहुँच रही है और अब हिमाचल के बीच में भी, अब जैसे हिंटरलैंड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वहाँ भी पहुँच रही है। तो हम उसी सिलसिले में आए हैं, अब बॉर्डर की थोड़ी सर्वे करेंगे और हमने अभी यहाँ मीटिंग की, अधिकारियों से मिले हैं और आगे हम डमटाल भी जाएंगे, नूरपुर भी जाएंगे। आज मेरा दौरा बॉर्डर का है और आशा करते हैं कि कुछ ही महीनों में हम बेटर